दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको कंट्रोल मॉड्यूल के बारे में बताऊंगा। कंट्रोल मॉड्यूल का वायरिंग कनेक्शंस एंड ये कैसे काम करता है इनके बारे में बताऊंगा। जैसे ये दिखा यहाँ हुआ है कंट्रोल मॉड्यूल, फायर कंट्रोल मॉड्यूल, FCM लिखा हुआ है मॉडल नंबर। ये कंट्रोल मॉड्यूल है, ये नोटिफायर का है। इससे पहले मैं वीडियो में बना चुका हूँ मोनिटर मॉड्यूल का और आइसोलेशन मॉड्यूल का। आज मैं कंट्रोल मॉड्यूल के बारे में बता रहा हूँ आपको, इसका वायरिंग कनेक्शन। ये जो दो रेड केबल है और दो ब्लैक केबल है, ये SLC केबल है। SLC जैसे यहाँ लिखा हुआ है SLC, एक पॉजिटिव वाला दो केबल, दो ब्लैक केबल नेगेटिव वाला आएगा इसमें एक टर्मिनल में, और एक टर्मिनल में पॉजिटिव वाला में दो ब्लैक केबल आएगा। यानी दोनों ये फ्लैट में राउंड मार करके ये SLC इसमें आया है। तो ये SLC का हो गया। अब दूसरा इसमें समझने वाली बात, अब ये इधर इधर टर्मिनल्स हैं लिखे हुए हैं सारे, ये PWR पावर यानी एक्सटर्नल पावर, EXT एक्सटर्नल पावर, ये इसका पॉजिटिव है और ये इसका नेगेटिव है। यानी ये जो AMPS है, यानी ये जो SMPS है ना, SMPS से ये इसको हम लोग 24 वोल्ट सप्लाई देंगे इसमें। उसके बाद इसका हूटर में कनेक्शन होगा, ये वाला जो है ना हूटर। हमारा जो क्लास वायरिंग का है AB क्लास है, तो हम AB क्लास में देंगे। वायरिंग का क्लास होता है, तो हमारा ये AB क्लास का वायरिंग चल रहा है फ्लोर में, इसलिए AB में देंगे। एक ए क्लास होता है, एक AB क्लास होता है। तो ए क्लास में ये ए क्लास है ना, ए क्लास है, T9A है, T9B है, ए है नेगेटिव वाला। तो यानी हम लोग ए में नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा ये ए का नहीं है क्लास वायरिंग। अब ये एक्सटर्नल में देखेंगे, एक्सटर्नल इसमें जो SMPS से आया है, इसमें कनेक्शन किए हैं दो रेड केबल है और दो ब्लैक केबल है। यानी ये लूपिंग हुआ है, एक तो पहले SMPS से आया, एक कंट्रोल मॉड्यूल पे आ गया, फिर यहीं से हम इसको दूसरे कंट्रोल मॉड्यूल पे सप्लाई देंगे। यानी ये आपस में कंट्रोल मॉड्यूल को लूप कर दिए हैं। और दूसरा ये जो वाला केबल है T7 9AB में, ये इस टर्मिनल पर जो केबल है ये हूटर पे गया है। यानी हम हूटर को सप्लाई दिए हैं इस वाले केबल से, हूटर को सप्लाई दिए हैं, T9AB में हूटर को सप्लाई दिया जाता है। और ये जो देख रहे हैं इसका एड्रेस है, ये इसका एड्रेस 36 डला हुआ है, कुछ इस तरह से इसका वायरिंग होता है। दोस्तों, ये SMPS है, इसी से हूटर को सप्लाई दिया जाता है। तो इसको पहले, इससे पहले इस पे सप्लाई आना चाहिए। अभी देखिए ये लाइट जल रही है यहाँ पे, ये लाइट जल रही है, ये इसमें मतलब ये ऑन है, इस पे सप्लाई आया हुआ है। और इसमें AC सप्लाई आता है, उसके बाद ये AC सप्लाई आने के बाद ये अपना कन्वर्ट करके DC सप्लाई ये कंट्रोल मॉड्यूल को देता है। यही इसका काम है, कंट्रोल मॉड्यूल फिर हूटर को सप्लाई देता है, जैसा कि आपको मैं बता दिया हूँ मैं आपको इसी वीडियो में। तो देखिए इसको सप्लाई कहाँ पे लेंगे, पहले तो AC सप्लाई इसमें ले लिए, यहाँ AC दिए लिखा हुआ है, यानी एक केबल यानी जो रेड ब्लैक है इसका पॉजिटिव नेगेटिव देखते हुए AC सप्लाई इसमें दे दिए है ना। उसके बाद फिर इसमें अलग अलग टर्मिनल्स है, इसमें तीन टर्मिनल है। यानी तीन टर्मिनल का मतलब है कि यानी हम अलग अलग हूटर, अलग अलग कंट्रोल मॉड्यूल को हम सप्लाई यहाँ से दे सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमारा तीन कंट्रोल मॉड्यूल को सप्लाई दिया हुआ है। यानी जो ये AC के बाद कॉमन तीन हो गया, ये तीन कॉमन है, यानी तीन को तीन पॉजिटिव, V पॉजिटिव, यानी ये तीन कॉमन में तीन मतलब ब्लैक तीन लगा देंगे। उसके बाद फिर तीन जो उसका जो
लाइव केबल है, रेड केबल, वो लगा देंगे। कुछ इस तरह से इसका वायरिंग कनेक्शन है। देखो दोस्तों, ये अभी जो मेरा कंट्रोल मॉड्यूल है ये फायर में आ गया है। जैसे हूटर बज रहा है ना, अभी यहाँ ये हूटर बज रहा है।